बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल घर का खाना विद नूरजहान किचन। कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। देखिए आज हम क्या बना रहे हैं। बहुत ही झटपट और बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम वक्त में, कम ऑयल में और बहुत ही कम मसालों में इतना सारा मांदीला फ्राई, बहुत ही झटपट और आसानी से कुरकुरी और टेस्टी। तो क्या आप सीखना चाहोगे? क्या जब आप मच्छी फ्राई करते हो तो आपकी मच्छी चिपक जाती है या फट जाती है पलटी करते वक्त? अगर आपके साथ ये सब मच्छी फ्राई करते वक्त दिक्कतें आती है तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो पूरा देखिए। इसमें मैंने आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही झटपट बिना फटे बिना चिपके मच्छी फ्राई करने बताई हूँ, तो आप ज़रूर देखेंगे, इस बात का यकीन है। तो आइए शुरू करते हैं, देर किस बात की। देखिए यहाँ पर हमने मांदीला लिए है, इसे हमने अच्छी तरह साफ़ करके नमक और विनीगर से धो कर लिए है 6 से 7 पानी से, और अच्छी तरह पूरा पानी निकाल दिए है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। देखिए मांदीले ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मीडियम साइज़ के हैं, मगर मांदीले ज़्यादा बड़े भी नहीं होते, तो हम इसे बहुत ही अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे 1/2 चम्मच वाइट विनीगर। देखिए अगर आपके पास विनीगर नहीं है तो आप नींबू इस्तेमाल कर सकते हो। अब लेंगे हम ड्राई मसाले, जिसमें हमने लिए है 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 स्पून गरम मसाला, 1/4 स्पून हल्दी पाउडर, तीखे के लिए लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच से थोड़ा कम, और नमक बहुत ही कम लिए है यानी 1/2 1/4 स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए। और तमाम मसाले हम मच्छी में डाल दिए हैं और इसे चम्मच की मदद से बहुत ही आसानी से और झटपट मिक्स कर देंगे। देखिए बस इतनी ही चीज़ें लगेगी हमें मैरिनेट के लिए, ना ही हमें यहाँ पे कोई चावल का आटा, बेसन का आटा या रवा कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा। अब हम इसे बिना चम्मच के अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। देखिए अच्छी तरह उछाल उछाल कर मिक्स करेंगे तो मच्छी के हर हिस्से में मसाला लग जाएगा। बहुत ही छोटी मच्छी होती है तो झटपट ये मैरिनेट हो जाती है। देखिए तो बहुत ही झटपट और आसानी से हमने तमाम मच्छी में मसाला लगा दिए है। आप देख सकते हो मच्छी के हर हिस्से में मसाला लग चुका है। अब हम इसे ढक के रखेंगे कम से कम 30 मिनट के लिए, ताकि मसालों का तमाम फ्लेवर मच्छी में अच्छी तरह आ जाए। तो आप देख सकते हो 30 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राई पैन गर्म है, हम इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, बस 2 टेबल स्पून डाले हैं, और इसे भी डालकर अच्छी तरह फ्राई पैन में चारों तरफ फैला देंगे। और आप यकीन कीजिएगा इतने ही तेल में हम पूरी मच्छी फ्राई करेंगे, और इसके अलावा एक बूंद भी हम तेल और नहीं लेंगे। तो देखिए मच्छी 30 मिनट में अच्छी तरह मैरिनेट हो चुकी है और मसाले भी अच्छी तरह मच्छी में हर तरफ लग चुके हैं। एक मर्तबा हम चम्मच से फिर से ऊपर नीचे करेंगे ताकि मच्छी अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बहुत ही संभाल के और बहुत ही आसानी से एक के बाद एक जितनी जगह है उसके हिसाब से हम मच्छी डालते जा रहे हैं, और देखते ही देखते आप देखते ही रह जाओगे पूरा फ्राई पैन झटपट मच्छी से भर जाएगा। बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है मच्छी, और देखिए जगह के हिसाब से हमने डाल दिए है, बस थोड़ी सी मच्छी बच गई है, वो सेकेंड राउंड में हम उसे फ्राई करेंगे। अब इसे अच्छी तरह फ्राई होने देंगे वन साइड से कम 3 से 4 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम फास्ट है, तो आप देख सकते हो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और मच्छी वन साइड से अच्छी तरह फ्राई हो गई है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, और बीच बीच में हम फ्राई पैन में तेल एडजस्ट करते रहेंगे ताकि मच्छी का कोई भी हिस्सा बिना तेल के ना रहे। और आप देख सकते हो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हम बहुत ही संभाल के पलटी कर रहे हैं। पतले चम्मच से इसे पलटी कीजिएगा, मोटे तले का चम्मच लेंगे तो टूट सकती है मच्छी। और बहुत ही संभाल के, कोई जल्दी नहीं है, आसानी से आहिस्ता आहिस्ता काम कीजिएगा।
देखिए मच्छी एक तरफ से बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है, बहुत ही प्यारा कलर आया है। मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। अब हम इसे अच्छी तरह एडजस्ट करेंगे क्योंकि सब एक तरफ जम गई हैं, और दूसरी तरफ से भी हम 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह इसे फ्राई करेंगे। देखिए तो बहुत ही झटपट और आसानी से हमारी मच्छी दोनों तरफ से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितनी कुरकुरी और क्रंची और क्रिस्पी बनी है हमारी मांदीला फ्राई। एक भी मच्छी टूटी नहीं है और ना ही चिपकी है। तो बहुत ही झटपट और बहुत ही आसानी से हमने मांदीला फ्राई आपको दिखाए है। तो यकीन आ गया आपको? और बचे हुए तेल में हम फिर से जो 4-5 मंदीले बचे थे वो डाल रहे हैं। तो हमने उसके अलावा और तेल कोई यूज़ नहीं किए, उतने ही तेल में हमारी तमाम मच्छी फ्राई हो चुकी है। तो बहुत ही आसान और इजी तरीका है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। देखिए मेरी बच्ची आपको दिखा रही है कि मच्छी का हर हिस्सा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है और कितनी कड़क और कुरकुरी बनी है हमारी मच्छी फ्राई। तो बहुत ही झटपट और आसानी से ये रेसिपी हमने आपके सामने बनाई है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्रेंड्स। बहुत ही आसान तरीका है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 10 मिनट से भी कम वक्त में हमारी तमाम मच्छी फ्राई हो चुकी है। तो अगर आपको ये तरीका पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो अब हम मिलेंगे नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़, इंजॉय योर डे, बाय।